मैंने एक चोरी किया तुम्हारे सामने, सुनो। मैं और काक वसंडी दोनों गए। पार्वती ने कहा मुझे क्यों नहीं ले गए, बोले तुमको क्या ले जाना, एक बार ले गया था भगवान को रोते देखकर तुमको मोह हुआ। यहाँ भी रोते ही थे वो, उधर बड़े थे तो रोते थे, यहाँ बच्चे होकर रो रहे। पियो पियो चाय पियो, देते पानी पिला। तो भगवान शिव कहते हैं चोरी की, चोरी माने भगवान के दर्शन की और नहीं, ये देश में चोरी करना, रिश्वत लेना, गद्दारी करना, एक दूसरे को झगड़ाना, जातिवाद करना मना है। भगवान शिव कहते हैं सुन गिरिजा दड मति तोरी, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होना चाहिए। ये देश का राजा कैसा हो, वो राजा के बच्चे कैसे हो, भगवान कहते हैं चलो मेरे साथ। एक महीने तक अयोध्या में आनंद मनाया, माँ कौशल्या का बेटा हुआ, फिर कई कई माँ को, फिर सुमित्रा को, कई कई सुता सुमित्रा के नाम के लिए। पहले लोग अपने बच्चों का नाम संत रखते थे और बच्चों का नाम भगवान के ऊपर था। चिंटूडन पिंटूडन चिंटूडन क्या क्या नाम बन गया, जिसका नाम लेने से दिन बिगड़ जाता है साहब। अपने बच्चों का ऐसा नाम रखना कि मरते समय अगर बच्चे का भी नाम याद आ जावे तो भगवान आपको लेने आवे। साहब कथा में आया है एक अजामिल नाम का पापी आदमी, पापी तो नहीं था मगर उसके बुरे की संगत कर दी। आदमी को सुधरने में कहीं जन्म लग जाते हैं साहब, बिगड़ने में एक सेकंड नहीं लगती है। सुधरना माने एक साइकिल लेके कोई जा रहा है ढाल चढ़ना हो तो कितना तकलीफ पड़ती है, और बिगड़ना माने ढाल उतरना। कहीं करोड़ों जन्मों के बाद ये मानव का जन्म मिला है अच्छा बनने के लिए साहब। देश की सेवा, माँ बाप की सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, गाय सेवा, अपने गाँव की सेवा, अपने आप का उद्धार। बाबा बनने की कोई जरूरत नहीं, जो बने हैं और जो आपको कह रहे हैं उनके मार्ग पर चलो। बाबा कभी नहीं बोलेगा बाबा बन जा, वो कहेगा भैया गृहस्थ जन्म मिला है, अच्छा काम मिला है, अच्छा समय मिला है, तुम्हारा भी समय है तो समाज की सेवा करो। बार बार ऐसा जन्म ऐसा समय नहीं मिलता साथ, इसलिए वो आदमी ने देखा एक बुरे लोग को, उनके साथ बैठने से उसका जीवन बिगड़ गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो हे ईश्वर, अच्छे का संग न मिले तो कभी कोई बात नहीं, पर बुरे का संग मत करो साहब। इसलिए गुरुदेव को बुलाया कि मेरे बच्चे का ऐसा नाम रखो ताकि हमारे मरते समय भी हम अपने बेटे को भी याद करें तो भगवान हमें लेने आवे, हमारा उद्धार हो, हमारी मौत सुधरे। महात्मा लोग गांव में आ गए तो जहां गांव होते दो चार ऐसे लोग तो होते ही है जो मेरी तेरी करने वाले। महात्मा ने कही भाई हमको वृंदावन जाना है और भूख लगी है, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा भगत हो तो रोटी खाने मिलेगी। एक आदमी ने कहा हमारे गांव में अजामिल बहुत अच्छा भगत, वो जो महात्मा का विरोधी था अजामिल,
फिर भी दो चार लोगों ने भेज दिया, महात्मा आए, अजामिल घर नहीं था, उसकी घर वाली थी, उसने कहा महाराज वहीं खड़े रहो, मैं तो एक वेश्या हूं नाचने वाली, मैंने इसकी जिंदगी बिगाड़ दी और मुझे लालच देके अपने घर में लाया है, मेरी भी जिंदगी बिगाड़ दी। आज आदमी पैसे के लिए क्या नहीं करता है, बेटा बाप को मार देता है, चेला गुरु को मार देता, पत्नी पति को मार देती, पति पत्नी को छोड़ देती, पैसे के लिए दूसरे की बेटी बहू बना देते, लोग जला देते देश के, ये राक्षस लोग जो किसी की बेटी बहू बनकर आती है दहेज के लिए मार देते जला देते, ऐसे लोग धरती के बाहर है। भगवान को बड़ा दुख लगता है जब कोई बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर आवे, और जब दहेज मांगते तो भगवान कहते मैंने गलती की, तुम्हें इंसान बनाया, तुम्हारे घर में कोई बेटी बहू बनकर आ जाए तो उसकी सेवा समझो, सब कुछ मिल गया। आजकल लोग बेटियों कहते तुम पराए घर की बहू है, पराए घर की बहू, नहीं नहीं, बेटी पराए घर में जाती तो अपना घर होता है, पराया नहीं होता है। जिसने तुम्हें बेटी दे दी है और तुमको क्या चाहिए, उस औरत रोने लग गई, महाराज मेरे घर आया हो पर मैं तो एक नाचने वाली थी, मैंने कितने की जिंदगी बिगाड़ दी पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। फिर भी महात्मा ने कहा हमने आपको बेटी कह दिया, साधु के लिए तो कोई भी हो, जितनी छोटी इतनी बेटी, उम्र लायक इतनी माँ, अपनी तरफ से बहन, चाहे नाचने वाली कोई भी हो, संत के लिए तो माए होती है, माँ बेटी बहन, हमें रोटी खिलाओ। औरत की आंखों में आंसू आ गया, बड़ी खुशी नाचने लगी, चलो मेरे हाथ से जिंदगी में एक काम अच्छा, औरत जीवन में कोई मैंने अच्छे काम नहीं किए, आज मेरे घर संत आए हैं, देखो संतों को रोटी खिलाने के लिए। और संत भी कैसे भजनानंदी, पाखंडी ढोंगी ठगने वाले लूटने वाले नहीं, ऐसे संत के घर आते हो भाग्यशाली होते हैं। महात्मा को भोजन बना के खिलाया और खाके महात्मा खड़े हुए, इतने में अजामिल आ गया, किसी ने बोल दिया तेरे घर बाबा लोग आए हैं, वो लकड़ी लेकर आया, संतों को मारने के लिए दौड़ा, उसके घर वाले ने पैर पकड़ लिए, आप उसको मारना नहीं, मुझे भले मारना, ये लोग चले जाएगा, बड़ा जिंदगी में पहली बार मेरे घर संत आए। और वो गृहस्थी भाग्यशाली है जिसके घर संत आते हैं, वो भाग्यशाली जो संत के पास जाते हैं, वो भाग्यशाली संत के साथ बैठते हैं, वो भाग्यशाली जो संतों से कथा सुनकर अपने जीवन को बदलते हैं। एक लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन गया साहब, यही कथा, और उसने फिर यही कथा लिखी वाल्मीकि ऋषि। कहते हैं अजामिल ने कहा जल्दी बाहर निकलो, महात्माओं ने कहा भैया साधु ब्राह्मण को अपने घर आवे तो अपने पास कुछ हो तो खिला के कुछ देना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा भोजन कराओ और एक रुपया भी नहीं दो तो महात्मा की आह निकलती है कि हम उसके दामाद थोड़ी है। कोई साधु ब्राह्मण आता, हाँ आपके पास नहीं है तो बोलो बाबा कुछ नहीं है, बाकी आप भोजन कराते कुछ दो। तो महात्मा ने कहा भैया तेरे घर भोजन खाया कुछ दे दे, एक रुपया ही दे दे। वो बोलता है मैं कुछ देने वाला नहीं, तुम्हारे पास हो तो लाओ। महात्मा ने कहा तुम दे नहीं सकते, हम देवे। बोले लाओ क्या देते हो। बोला भाई तेरे कितने बच्चे। बोले पांच। महात्मा ने कहा लगता है तेरी घरवाली गर्भवती है। बोले हाँ। तो हम प्रार्थना करते हैं जिसको बेटा आवे उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा जाओ रखूंगा। महात्मा चले गए, इसके घर बेटा हुआ और नाम नारायण रखा। साहब सुखदेव जी बोलता है कि नंगा बाबा बोल रहा है, कोई मेरे जैसा नहीं, 5000 महात्मा के एक राजा बैठा है देश का परीक्षित, सबको छोड़कर सारी दुनिया का राजा, सारी दुनिया का बादशाह, सारी धरती का राजा एक महात्मा के सामने बैठकर कथा सुनता है। और सुखदेव बोलता है ए राजन तेरे चार बच्चे चार मोही सारी धरती का राजा, तेरे साथ कोई है? जैसे आज अकेला है मरेगा भी अकेला, इसलिए राजन तुम बड़ा भाग्यशाली है। कथा सुनता है हे राजा उस अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, ऐसा प्रेम हो गया बच्चे से जिसने जिंदगी में कभी भगवान को नहीं पुकारा था, हलते चलते हे नारायण मेरे पास बैठो, हे नारायण चलो मेरे साथ घूमने, हे नारायण इधर आओ, हे नारायण पानी लाओ, नारायण करते 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 उम्र बीत गई। एक दिन मौत आके खड़ी रही, यमदूत लेने आए, और भैया जब मौत आती तो यमदूत इतने भयंकर है कि आदमी के मलमूत्र निकल जाते, इसलिए तब मुर्दे को नहलाते। यमदूत को देखकर अजामिल घबरा गया, अपने बेटे को पुकार हे नारायण। इतने में भगवान के पार्षद आ गए, यमदूत को कहा इसको छोड़ दो,
कि यमदूत ने कहा ब्राह्मण के घर में जन्मा, इसने शराब पिया, मांस खाया, दुनिया का मुखिया था, कितने को लूटा, चोरी किया और एक वेश्या के साथ रहा, अपनी पत्नी को मार डाला, अपने बच्चों को भगाया, माँ बाप को मारा, सारी जागीर बेच दिया, इतने इतना पाप किया, करोड़ों जन्म लेते भी ये पाप से बचेगा नहीं। फिर भी पार्षदों ने कहा कुछ भी उसको छोड़ दो, क्यों? इसने हमारे भगवान को पुकारा। यमदूत ने कहा तुम्हारे भगवान को नहीं, अपने बेटे को पुकारा। फिर भी भगवान के पार्षदों ने कहा चलो बेटे को पुकारा, मगर हमारे भगवान का नाम है नारायण। और साहब अजामिल सुनता रहा, यमदूतों ने भगवान के पार्षद ने मार के भगा दिया। तब यमदूत ने चले गए, भगवान के पार्षद चले गए, तब उसने आंखों में आंसू आ गया और कहा कि मैं बच जाऊंगा तो तेरा भजन करूंगा। और भगवान जीव को कितना मौका देते हैं जीना रहने का, अच्छे काम करने का, अच्छा बनने का, पर यह भागा जीव ना तो अच्छा बनता है ना अच्छा करता है, ये मर जाता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राम भजन कर मन तू प्यारे आखिर में मर जा। सुखदेव मर जाएगा, हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं बस अब 7 दिन का मेहमान है, अब तेरे पास 4 दिन बचे हैं, 5 दिन निकल गए, चौथे दिन में भगवान ने तेरी माँ के पेट में तेरी रक्षा की थी, अब तुम्हें भगवान भी बचाएगा नहीं। तू देश का राजा होकर भी तू गाय को नहीं बचा सका, तेरे सामने गाय को एक पापी मार रहा था, तेरे सामने एक बेल का पैर कट रहा था, फिर भी हे राजा तू बचा नहीं सका, और एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचाएगा, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें तक्ष नाग आएगा काटेगा, तुम्हें अग्नि देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और वे मौत मरेगा। हे राजा, सुखदेव जी बोले कहते भागवत पढ़िए साहब मर जाएगा। लिया न जो तूने नाम प्रभु का, लिया न जो तूने नाम प्रभु का, इसे तू पछताएगा। कहते हैं राजा